भी पतला होना चाहते हैं एंड आप अपने फेस पे ग्लो चाहते हैं तो मैं आपके साथ यहाँ पे एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ, जो कि है हेल्थ वेट का एप्पल साइडर विनेगर विद मदर ऑफ विनेगर। ये रॉ है एंड ये अनफिल्टर्ड है, इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में और देखते हैं इसको किस तरह से यूज करना है। ओके गाइस, तो ये है हेल्थ वीट का एप्पल साइडर विनेगर, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एप्पल साइडर विनेगर हैज़ प्रॉपर्टीज दैट कैन फाइट एक्ने एंड हेल्प यू अचीव स्मूथ एंड स्पॉटलेस स्किन। ये सिर्फ आपकी स्किन के लिए ही नहीं, वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लोग इसको अपने वेट लॉस करने के लिए भी लेते हैं, जो कि एम्प्टी स्टमक लेते हैं। एप्पल साइडर विनेगर कंटेंट्स मैनी न्यूट्रिएंट्स दैट फुलफिल डेली न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। एंड ये एप्पल साइडर विनेगर जो है ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको 1-2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर को अपने डाइजेशन ठीक करने के लिए भी ले सकते हैं। जो कि आपको स्टमक रिलेटेड इश्यू हैं लाइक गैस है, ब्लोटिंग होता है, तो ये उससे आपको निजात पाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। यह आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है एंड आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब आपने देख लिया है कि कितने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, सो आप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। एंड इसको किस तरह से लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसको वाटर में डाइल्यूट करना है, साथ में आपको हनी इसमें मिक्स करना है, और आधे घंटे पहले जब आप अपना जो हैवी मील लेते हैं यानी कि जब खाना खाते हैं उसके आधे घंटे पहले आप इसको ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए एंड बेटर स्किन पाने के लिए। तो गाइज, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। एंड चलिए बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ, एक हफ्ते में चेंज करती हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आज ये बांधनी प्रिंट की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की बेडशीट बिछा रही हूँ। विंटर्स में ऐसा होता है ना, डार्क कलर के जो बेडशीट्स हैं वो अच्छे लगते हैं एंड समर्स में लाइट कलर वाले, सो मैं उसी अकॉर्डिंग बिछाती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे अपना बेडशीट जो है वो बिछा दिया है एंड बेडशीट बिछाते ही ना एकदम से रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। ये देखिए, बेडिंग वगैरह कुशन वगैरह रख दो तो एकदम से लुक चेंज हो जाता है एंड अच्छा लगने लगता है रूम आपका। क्या आपको भी ऐसा लगता है मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। सो गाइस, सुबह का टाइम है और अभी जस्ट मैंने अपने रूम का बेडिंग वगैरह ठीक कर लिया है। अभी भारती दीदी आएंगी, क्लीनिंग वगैरह करेंगी एंड फिर दिन स्टार्ट होगा। और अभी यहाँ पे ये कपड़े रखे हुए हैं, कल मैंने ये कपड़े फोल्ड किए थे बट अभी मैंने इनको जगह पे नहीं रखा है, वो मुझे रखना है। थोड़ा बहुत स्टफ़ भी इधर रखा हुआ है, वो सब भी करना है। पीहू स्कूल जा चुकी है। आजकल ना बहुत हवा चल रही है, ठंडी वाली नहीं बोलूँगी बट हवा ऐसी है ना कि स्किन फटने वाली है, लाइक पैर जो हील्स हैं वो फट जाते हैं। आप लोग का भी हो रहा है वहाँ? तो खैर यूपी में उधर नॉर्थ साइड में बहुत ठंड होने लगी होगी। नहीं, लेकिन मैंने सुना न्यूज़ में लोगों ने बोला कि दिल्ली में इस बार इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, ठंड की जगह गर्मी अभी भी लोगों को स्वेटिंग हो रही है, ऐसा मैंने न्यूज़ में सुना था। सो आप लोग बताइएगा आपके शहर का क्या हाल है। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, शाम हो गई है एंड पीहू आ चुकी है स्कूल से। अब मुझे उसको ये कोकोनट वाटर देना है, सो लेट्स ओपन इट। तो ये है पीहू का कोकोनट वाटर, टेक इट पीहू केयरफुली। ओके, यस इट्स हैवी। हाँ वो बड़ा हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, पी लो थोड़ा सा। आप आराम से कंफर्टेबल बैठो।
तो मैंने पीहू को दे दिया है कोकोनट वाटर एंड वो थोड़ी देर आने के बाद टीवी देखती है, जैसा कि आप लोग को पता है सुबह 7 बजे जाती है एंड 3:30 बजे आती है, तो उसको थोड़ा फ्रेशनप होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ कि चलो ठीक है आधा घंटा आप टीवी देख लो। आधा घंटा भी एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, हाँ लेकिन 20 मिनट्स तो वो देखती ही है। उसके बाद मैं टीवी बंद करवा देती हूँ और यहाँ जब पीहू आती है तो मैं उसका सारा काम देखती हूँ, टीचर ने क्या क्या पढ़ाया है, उसने क्या क्या लिखा है, मैं उससे भी पूछती हूँ। देखिए बार बार वो भी उठ करके आएगी मुझे बताने के लिए। सो इस तरह से हम दोनों के बीच में कन्वर्सेशन वगैरह चलती रहती है एंड फिर जब वो टीवी वगैरह देख लेती है, इस बीच में मैं उसको कुछ कुछ खाने की चीज़ें भी देती जाती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग बैठ करके होमवर्क वगैरह करते हैं, मतलब जो पीहू को होमवर्क मिलता है वो सारा चीज़ उसके बाद ही हम लोग करते हैं। आफ्टर 5:15 के बाद ही, मतलब 5:30 तक वो थोड़ा फ्री होती है, खेलती है, अपनी चीज़ों को देखती है, उसके बाद ही। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में एंड शाम का टाइम है, पीहू अपना कुछ कुछ वर्क कर रही है, मैंने उसको वर्क दे दिया है एंड यहाँ पे मैंने दलिया मंगाई थी, वीट वाली दलिया जो होती है, तो मैं उसको भून करके एक साथ रख लेती हूँ, तो फिर जब भी कभी मीठा दलिया बनाना हो या फिर वेजिटेबल दलिया बनाना हो तो बहुत ईजी तरीके से बन जाता है, भुना भुनाया रखा रहता है। तो सो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ एंड आज मैं ना एक चीज़ बनाने वाली हूँ, अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग में से कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ना मैंने यहाँ पे ईयरपॉड्स लगा रखे हैं सॉन्ग सुनने के लिए, तो एक फ़ोन में मैंने सॉन्ग पीछे बजा रख दिया है और वो मैंने ईयरपॉड कान में लगा लिया है, उसको मैं सुनती जा रही हूँ। आज मेरे बाल बहुत ऑयली हो रहे हैं, कल मैं वॉश करूँगी, एक्चुअली आज थर्सडे था तो मैंने थर्सडे में वॉश नहीं करती हूँ एंड कपड़े वगैरह भी नहीं धुलती हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप थर्सडे में कपड़े या बाल वॉश करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, मैं तो नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये जो ब्रेड है ना, मैं इनको अच्छे से टोस्ट कर रही हूँ, मतलब देसी घी में इसको सेक रही हूँ, लेकिन बहुत हार्ड वाला। और यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये रखा हुआ है रसगुल्ले का शुगर सिरप, यानी कि क्या बोलते हैं चाशनी, जो कि लास्ट अभी कुछ दिन, एक दिन पहले वर्मा जी रसगुल्ले लाए थे, रसगुल्ले नहीं आई मीन गुलाब जामुन लाए थे, तो वो ख़त्म हो गया है, बट ये यहाँ पे चाशनी बची हुई है, तो मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया है OTG में, जिससे कि ये गर्म हो जाएगा और मैं ब्रेड सेक करके इसको शाही टोस्ट की तरह खाऊंगी और पीहू को भी खिलाऊंगी। इसलिए मैंने सिर्फ 2 ब्रेड सेकी है हार्ड, जो कि इवनिंग स्नैक की तरह यूज़ होगा और ये चाशनी भी यूज़ हो जाएगी, और कुछ मीठा खाने का मन है तो इस तरह से आप बना करके खा सकते हैं। आप लोग में से कितने लोग हैं जो इस तरह से यूज़ करते हैं चाशनी को, मुझे कमेंट करके बताइएगा। यही मैं बोल रही थी आज मैं बनाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं गाने वगैरह चेंज करती जा रही हूँ। तो ये मेरी ब्रेड जो है वो अच्छी अब हार्ड हो चुकी है, अब मैं 2 ब्रेड को इसमें डालूंगी और दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से ये खाया जा सकता है। इसके ऊपर आप मलाई वगैरह लगा सकते हैं और कोकोनट भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा शाही टुकड़ा, शाही टोस्ट जो है वो तैयार है, कम घी ऑयल में और स्वाद बिल्कुल वही है। सो कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा मुझे। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एंड कल जो आपने देखा मैंने शाही टुकड़ा वगैरह बनाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बस ऐसे ही फिर क्या हुआ डिनर वगैरह किया हमने,
डिनर करने के बाद, फिर पीहू को सुलाने के बाद, तैयारी वगैरह उसको तैयार करने के बाद, मतलब सुला दिया, देन फिर मैं थोड़ी देर चली गई नीचे वॉक करने के लिए। वर्मा जी ऊपर थे, मैं अकेले गई 10-15 मिनट वॉक करके फिर आ गई थी। कुछ फ्रेंड्स नीचे मिल जाते हैं, बात बात करती हूँ फिर आ जाती हूँ। एंड आज मैंने फिर से कपड़े वॉश करे हैं, वर्मा जी की ऑफिस की शर्ट्स वगैरह थी वो सब। और पता है कल ना वर्मा जी शरीफा लेकर के आए थे, मेरा बहुत दिन से मन हो रहा था कस्टर्ड एप्पल जो होता है ना शरीफा, वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी खाने वाली। कभी कभी मतलब मन होता है कुछ ऐसा चीज़ खाने का और अचानक से मिल जाती है तो अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मेरी इच्छाएँ जो है वो पूरी करते रहते हैं। ऐसा आप लोग सोचेंगे इसमें कौन बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसे ही मन में आया तो मैंने बता दिया आप लोगों को। कभी कभी ऐसा लगता है ना खाने को मिल जाए, मन में सोचो और वो थोड़ी देर में पूरी हो जाए, तो ऐसा लगता है, तो मैंने आप लोग को बताया। और अब इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, फटाफट से एडिट करती हूँ। आज डेट है, बताती हूँ मैं, आज है 11th और फ्राइडे है, और आज ये ब्लॉग अभी ही मैं इसको बस एडिट करके अपलोड कर दूंगी। अभी 11:15 बज रहे हैं, आप 2 बजे इसको, इस ब्लॉग को देखेंगे। एंड ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग को, अच्छे अच्छे ब्लॉग सब आएंगे, डे बाय डे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अभी इस ब्लॉग का एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ कल अच्छे से ब्लॉग के साथ। अभी हेयर वॉश नहीं किया है, जाती हूँ अभी हेयर वॉश करती हूँ। अभी एक्चुअली एक वीडियो शूट करना था, इस वजह से मैंने हेयर वॉश सुबह नहीं किया था। तो चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।